So welcome to DNA number 3. So hope you are doing well. तो पहले जो DNA 2 का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ DNA 2. अच्छा, ये इस टाइप का क्वेश्चन था कि जिसमें स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं. MCQ है बट वो थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है ही है. द बॉडी ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड u इन टाइम t. तो इनिशियल स्पीड 0 है, फिर स्पीड हो गई है u और टाइम है हमारे पास कैपिटल t और एक्सेलरेशन है a. तो आपके पास a आ गया u माइनस 0 अपॉन t. तो a इज इक्वल टू u बाई t. आपको इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करनी है. पावर क्या होगी इंस्टेंटेनियस, वो हो जाएगी f into v. इंस्टेंटेनियस है ना, तो इसको हमने एट एनी टाइम t लिया है. एट एनी टाइम t, ये जो वेलोसिटी v है वो स्मॉल टाइम पे है. तो पावर का फॉर्मूला हो गया ma, f का फॉर्मूला हो गया ma, और v का फॉर्मूला क्या हो गया, v हो गया a into small t. अब यहां पर स्मॉल टी आएगा, ये देखने वाली बात है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस पावर. वो फुल साइकिल के लिए था कैपिटल टी. वी इज इक्वल टू ए इंटू टी, देन इट्स व्हाट एम टी. यहां पर आ गया ए स्क्वायर. व्हाट इज ए स्क्वायर, इट्स यू स्क्वायर बाय टी स्क्वायर. सो पावर इज इक्वल टू एम टी यू स्क्वायर बाय टी स्क्वायर. तो ऑप्शन ए इज योर राइट ऑप्शन. आपकी ए ऑप्शन राइट आंसर है. फिर चेक कर लेते हैं. बॉडी ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड u इन टाइम t. तो यहां पर क्वेश्चन को फोकस करना चाहिए आपको. तो a u by t आ गया, सिंपली आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. फिर उसके बाद वो कह रहा है इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. अब फंक्शन ऑफ टाइम स्मॉल टी, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो अब जो पावर है वो आपको फाइंड करनी है स्मॉल टी टाइम के बाद, और यहां पर दिया हुआ कैपिटल टी. तो पावर क्या होगी, एफ इन टू वी, बट ये जो वेलोसिटी वी है ये टाइम स्मॉल टी के बाद है. तो बट एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है. तो ए कितना हो जाएगा, ए इज व्हाट वी माइनस यू अपॉन टी, बट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है. तो v कितना हो गया, ए टी. तो आपने v की वैल्यू पुट कर दी ए टी, ए इंटू ए स्क्वायर आ गया. ए स्क्वायर की वैल्यू आपने ऊपर से ले ली, क्योंकि आपकी जो ऑप्शन है वहां पर स्मॉल टी भी है और कैपिटल टी भी है, तो इसलिए आपने वहां से ऊपर से ली. तो आपके पास पावर आ गया एम टी यू स्क्वायर बाई टी स्क्वायर. इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, राइट. तो अब देखते हैं कि इसका राइट आंसर इज अ वेरी फास्ट एंड डायनामिक गर्ल, जो सेकेंड टाइम हमारे पास टॉप कर रही है, फर्स्ट टाइम भी कर चुकी है. इट्स व्हाट पिया रशीद. पिया इज अ वेरी नाइस गर्ल. तो कॉन्ग्रेट्स पिया, शी इज फ्रॉम पंजाब. वेरी नाइस एंड सिंपल. कॉन्ग्रेट पिया. सो सून वी विल कम इन कॉन्टेक्ट. Okay, let us start today's topic. Today's topic is what, energy. In the first two we did work and then power, and then now we are doing energy. Need not to mention that energy is equal to kinetic energy. If we talk about it, half mv square, and if we talk momentum, it's mass into velocity. So if I multiply and divide with m, so E is equal to P square upon 2m. So E is equal to P square upon 2m. So very clearly, E is proportional to P square. If you want to draw the graph between E and P square,
then the graph is like this. Very simple, जिसकी पावर वन होएगी ग्राफ उसके अराउंड घूमता है हमेशा. ई और पी का ग्राफ कैसा है? पैराबोला. देन इफ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, यहां ऑफकोर्स एन कॉन्स्टेंट है. अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें ई एंड एम का, यहां पर पी कॉन्स्टेंट है, तो ग्राफ कैसा होगा? क्योंकि इट विल बी हाइपरबोला. जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा ई डिक्रीज हो जाएगा. ग्राफ इज लाइक दिस. पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ME. यस, तो अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो पी और एम का, यहां पर ई कॉन्स्टेंट है, देन द ग्राफ इज लाइक दिस. राइट, सो दीज आर द ग्राफ एंड इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन. अच्छा, अगर ई और यहां पर लिखा गया ई एंड पी स्क्वायर, इट नॉट पी स्क्वायर, इट ई एंड पी. द ग्राफ इट ई एंड पी इज दिस. पर अगर ई और पी स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो एनीबॉडी हियर, इफ आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ इन ई एंड पी स्क्वायर, वहां तो चलो बाई मिस्टेक लिखा गया मेरे से. ई और पी का ग्राफ ड्रॉ करना हो, देखो जब भी कोई चीज आपस में प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ हमेशा इंक्लाइन लाइन रहेगा. बट रिमेंबर, ये दोनों एज इट इज आने चाहिए. जब आपका इन दोनों में से किसी एक के ऊपर कोई फंक्शन लगेगा, जैसे आपने पी स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा दिया, पी स्क्वायर के ऊपर रूट लगाया तो पी आ गया ना, तो ग्राफ बदल गया. व्हाट आई मीन, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. अगर किसी को ग्राफ ड्रॉ करना हो एफ और वन बाई आर स्क्वायर का, तो ग्राफ आपका डियर इंक्लाइन लाइन रहने वाला है. Yes. क्योंकि f इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर और आपने एज इट इज बना दिए. व्हाट आई मीन, एक बार वापिस जल्दी कर लेते हैं. e इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, p इज इक्वल टू एम वी, तो आपने m से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास इतना आ गया. देन e प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, तो ग्राफ बिटवीन e एंड p, जिसकी पावर 1 होगी ग्राफ उसके अराउंड घूमेगा. घूम गया उसके अराउंड, ई के अराउंड घूमा. देखो यहां पर इसमें देखो, अगर पी स्क्वायर इक्वल टू एम ई, पावर किसकी वन है? टू की या एम की? पी की या एम की? एम की है, तो एम के अराउंड घूम गया ग्राफ. देन ई प्रोपोर्शनल टू, ये वाला ग्राफ क्या है? ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया, तो ग्राफ ही हो गया. एंड अगर दो चीजें आपस में प्रोपोर्शनेट हैं तो आपका ग्राफ इंक्लाइन लाइन बनेगा. इसके लिए मेरा बहुत बढ़िया एक वीडियो है, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन द टू वेरिएबल्स. उससे आप वर्ल्ड के किसी फार्मूले के भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. तो आप यू मस्ट गो थ्रू दैट, एक बार जरूर उसको देखना चाहिए. तो वो आपको केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब में ही हेल्प करेगा. अब थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको. हमारे पास E क्या है? P स्क्वायर बाई टू एम. आज हम थोड़े अलग से क्वेश्चन करने वाले हैं. सो इट्स व्हाट, डेल्टा E अपॉन E इज इक्वल टू टू डेल्टा P अपॉन P. ये हालांकि डिफ्रेंशिएट करके आया है, अगर मैं इसका पूरा मेथड अगर आपको जानना है तो मैं पूरा मेथड ही बता देता हूं आपको. मैं हम मेथड क्या आया हुआ है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ई इज इक्वल टू टू लॉग पी माइनस टू माइनस
लॉग टू एन। यस देन डिफ्रेंशिएट किया आपको जब हमने, तो क्या हो गया वन बाई ई डी आई डी बाई डी टी इज इक्वल टू टू वन बाई पी डी पी बाई डी टी माइनस वन बाई टू एम डी टू एम बाई डी टी। तो इसको हमने कैसे लिख दिया, ये सारे डी टी कट गए हमारे पास, तो क्या आ गया डेल्टा ई बाई ई इज इक्वल टू टू डेल्टा पी बाई पी माइनस, ये जब टू बाहर आ गया तो ये टू भी कट गया, डेल्टा एम बाई एम। तो इस फार्मूले से हमें क्या मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है इस फार्मूले से आज आपको। डेल्टा ई बाई ई इंटू हंड्रेड टू डेल्टा पी बाई पी इंटू हंड्रेड माइनस डेल्टा एम बाई एम इंटू हंड्रेड। ये तो मैंने आपको पूरा करके दिखाया, बट एमसीक्यू में आपने ऐसा थोड़ी करना है। से आपके पास है एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन रूट सी, तो आपको स्टेट लिख देना है डी डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू टू डेल्टा बी बाई बी इंटू हंड्रेड प्लस हाफ डेल्टा सी बाई सी इंटू हंड्रेड। आपको सीधा लिख देना होता है, उसके अंदर इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू हंड्रेड टू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू हंड्रेड हाफ डेल्टा सी बाई सी इंटू हंड्रेड, स्टेट यू कैन राइट। अब यहां से हमें क्या समझ आ रहा है, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता परसेंटेज चेंज इन टी, परसेंटेज चेंज इन ई, मान लो कि परसेंटेज चेंज इन पी 1% है, कैसे करोगे आप विद दिस फॉर्मूला स्टेट परसेंटेज चेंज इन पी इज 1, 2 इंटू 1 आंसर इज 2%। सिंपल, क्योंकि पी की पावर कितनी है 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इट्स 3%, 6 हो गया, 5%, 10 हो गया। बट व्हाट अबाउट अगर 10% है, तो ए परसेंटेज चेंज इन पी इज 10%, तो कैसे आंसर आएगा, तो आंसर नहीं आ सकता इससे, क्योंकि ये जो दिस इज कॉल्ड एरर मेथड, एरर मेथड की लिमिटेशन है इट इज अप्रोक्सीमेट मेथड है ये वाला, अप्रोक्स मेथड इज वैलिड ओनली टिल 5%, सिर्फ 5% से नीचे नीचे ही वैलिड है, उसके ऊपर ये नहीं रह सकता। तो जो ये वीडियो टीचर भी देख रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान से सुनो उसको, ये सिर्फ 5% तक वैलिड है, उससे ऊपर आपको नहीं सिखाना। अब अगर 10% आ गया है तो आंसर कैसे निकलेगा उसको चेक कर लेते हैं। मोर देन 5% हो तो क्या कैसे करना है, इट्स व्हाट डेल्टा ई बाई ई इंटू हंड्रेड, राइट। आपके पास E कितना है, ओरिजिनल E कितना है पी स्क्वायर बाई टू एम, फाइनल P कितना हो गया, पहले अगर P था अब 10% राइज से P कितना हो चुका है 1.1P, जैसे पहले 100 था अब 110 हो गया ना कि नहीं, पहले 1 था तो 1.1 हो गया, तो पहले P था तो अब कितना हो गया 1.1P का स्क्वायर अपॉन 2m,
1.1p स्क्वायर 2l, ef कितना हो गया 1.21p स्क्वायर अपॉन 2l, तो ef कितना हो गया, ये क्या है p स्क्वायर अपॉन 2m क्या है, ये तो e नॉट है 1.21 e नॉट, देन परसेंटेज चेंज कितना आया, वो हो गया ई एफ माइनस ई नॉट अपॉन ई नॉट इंटू 100, तो इट्स व्हाट 1.21 ई नॉट माइनस ई नॉट अपॉन ई नॉट इंटू 100, तो जब आपने सॉल्व किया आपके पास कितना आ गया 21%, इट्स 21%। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, मेक नोट्स ऑफ दिस DNA, these DNA are very useful. I am telling you. E note कितना है? P square by 2F. E final कितना हो गया? Because there is a 10% change. पहले अगर 100 है तो 110 हो गया. पहले 1 है तो 1.1 हो गया. तो पहले P है तो 1.1P हो गया. तो 1.1P whole square upon 2F. Squaring किया 1.21 आ गया. P square by 2M. What is P square by 2M? It's E note. And what is percentage change? एक ही फार्मूला है, e final minus e naught upon e naught into 100, so it's 1.21 e naught minus e naught upon e naught into 100, सॉल्व किया आपके पास 21% आ गया। सिमिलरली अगर हमारे पास मान लो क्वेश्चन में होता इट्स 20%, तो कितना आंसर होता, तो यहां पर आपके पास आ जाता 1.2 का स्क्वायर कितना होता है 1.44, तो ये हो जाता आपके पास 1.44 e नॉट, तो 1.44 e नॉट माइनस e नॉट अपॉन e नॉट, तो आपके पास आंसर आ जाता 44%। आर यू गेटिंग द पॉइंट, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, फिफ्टी परसेंट होगा तो कितना होगा, लाइक दिस, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टाइप के क्वेश्चन मीन लग ही रहा है कि खुद ही बोल रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। वेरी सून आई एम गोइंग टू गिव अ गिफ्ट टू माय YouTube व्यूअर्स, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया हुआ YouTube चैनल को, उनके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट मैं लेके आ रहा हूँ। वेरी सून आई विल अनाउंस, तब तक आप सोचते रहोगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और अभी आज का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन यहीं से है, योर क्वेश्चन इज, दिल थाम के बैठो, पेपर और पेन निकालो, क्योंकि कल आपको ही पिया, राहुल, अमन ये सब बनना है। एंड द परसेंटेज चेंज इन पी इज 200%, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन ई, this is your question, do it right now, see you tomorrow, bye bye, love you.